हम बात करें तो 5 बजे से कितना 4-5 तो स्टार्ट दे सकते हैं और कोई बात नहीं निकला भी। और क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे इस मूवी के बारे में? ये मूवी एक बार देखने के लिए कुछ ये नहीं है, देख सकते हैं और देखेंगे तो एंटरटेनमेंट में आपको जरूर मिलेगा। इसमें कोई ऐसा पार्ट जो आपको काफ़ी पसंद आया आप शेयर करना? सभी पार्ट्स अच्छे हैं उसमें। थैंक यू। कॉन्सेप्ट भी अच्छा था और मतलब जो थ्रिलर फिल्म था और बहुत अच्छा लगा कि एंड में जो विलेन को जिस तरह से डेथ किया वो शॉट बहुत अच्छा लगा। क्या दर्शकों को इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहूँ? बहुत अच्छी फिल्म है, हॉरर थ्रिलर लेकिन रोमांटिक कहानी है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और खास करके जो विलेन का रोल किया है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। महेश भट्ट ने कहानी बहुत अच्छी लिखी है, गाने बहुत अच्छे हैं, कमाल के गाने हैं, देखना चाहिए। थैंक यू। पूछ लो क्या कुछ कहना चाहोगे पिक्चर के बारे में, एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट आपके लिए? जो लोग हॉरर देखना चाहते हैं इसी पिक्चर दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे इस पिक्चर के बारे में? क्या दर्शकों को हमारे द्वारा क्या कुछ कहना चाहोगे इस पिक्चर के बारे में? देखिए फिर आनंद लें। और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? सारे पार्ट अच्छे। कोई एक अगर बताना हो तो विजुअल इफेक्ट्स हैं थोड़े अच्छे। अगर हम स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे इस पिक्चर? स्टार मत पूछो। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे मूवी के बारे में, कैसी लगी आपको? पिक्चर तो अच्छी बनी है, पहली बार ये वर्चुअल लेवल पे पिक्चर बनाई गई है, इसके लिए फोटोग्राफी इतनी सुंदर लगती है कि हर एक चीज़ का एक फील मिलता है आपको और दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है और निर्देशन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है और जो लास्ट में जो ट्विस्ट एंड टर्न दिया है वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी फिल्म पसंद आई, मैं सबसे पहले विक्रम भट्ट साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने वर्चुअल टाइप फिल्म जो बनाई है बहुत ही बेहतरीन लग रही है। फिल्म देखते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं लगे आप एक वर्चुअल फिल्म। एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं हम लोगों से? एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट जो हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं? फिल्म भी इंटरेस्टिंग है सर, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि फिल्म देखने जाए। 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे आप? 5 में से 4। आप सर? 3.5। Thank you. The response is good, people are loving it. Do you think half the battle is won? Yeah, I'm very glad that people are liking it. वैसे भी विक्रम भट्ट जी की जितनी भी मूवीज होती है वो मासेस के लिए हम बनाते हैं तो मासेस को बस ये मूवी पसंद आनी चाहिए। That's what we are hoping. क्या कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को इस मूवी के बारे में? मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी आइए थिएटर में देखिए, इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म और इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है और ये एक फैमिली मतलब आके इसको हॉरर को एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ रोमांटिक हॉरर फिल्म, जैसे कहते हैं ना कि हॉरर में रोमांस है या रोमांस में हॉरर है, सो दिस मूवी इज लाइक आप रोमांटिक मूवी है जिसमें एक हॉरर ट्विस्ट हमने दिया और ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी लेके आए, नो इट्स वेरी यू नो कॉस्ट इफेक्टिव कि भाई कॉस्ट भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा, इस बारे में क्या कहना है? इट्स अ न्यू स्टार्ट आई वुड से। सो ये पहली पिक्चर है जो कि पूरी की पूरी वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू शूट की गई है। सो ये पूरी मूवी हमने मुंबई में शूट की, एक सेट में शूट की है, आपने इसमें सीन्स देखेंगे, हमने उत्तराखंड दिखाया है, बहुत अच्छे जो स्नो के सीन्स हैं, टेम्पल के सीन्स हैं, ये सारी हमने वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू शूट किए हैं। सो इस टेक्नोलॉजी से आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज आपको एक लोकेशन में जाना, शूट करना, जो ओवरहेड्स हैं वो सारे आपके बचेंगे और आप एक ही जगह पर अपने कम्फर्ट से इस यू नो मूवीज़ को शूट कर सकते हैं। सो एनी इंटरेस्टिंग मोमेंट अबाउट द मूवी यू वांट टू शेयर विद अस? सिंस इट्स अ फर्स्ट वर्चुअल मूवी, एक एक चीज़ एक एक सीन का हमने बहुत ध्यान रखा है, इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म लाइक आई सेड और इसमें बहुत मेहनत लगी है यू नो थॉट प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। सो एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? आई वुड अगेन रिपीट दैट यू नो ऑडियंस शुड कम एंड सी दिस मूवी इन द थिएटर्स एंड आई होप दे लाइक द फिल्म क्योंकि ऑडियंस इज द किंग, ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। थैंक यू।